हेलो एवरीवन, तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी कॉमन हो गई है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन। नंबर वन, स्टूडेंट का माइंड सेट। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली नहीं ले पा रहे, उनका ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक बहुत ही कैजुअल बिहेवियर है जो कि गलत है। वो क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, उन मतलब कहीं से भी किसी भी तरह से पढ़ते हैं, कोई प्रॉपर नोट्स नहीं ले रहा है। 50 लोगों की क्लास में सिर्फ 5 या 6 बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सिर्फ ऑनलाइन लेके ऑनलाइन आके सिर्फ बैठे रहते हैं। उनके माइंड में ऐसी चीज़ें हैं कि ये क्लासेस आपको सिर्फ टाइम पास के लिए कराई जा रही हैं, ये क्लासेस सिर्फ लॉकडाउन तक के लिए सीमित हैं, एक बार लॉकडाउन खुलेगा और वो फिर से वापस अपनी रूटीन लाइफ में अपनी रूटीन क्लासेस में जाने लगेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम, लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा हमारी लाइफ बैक टू रूटीन हो जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ दिनों की बात है, एक बार एक डेडलाइन डेट है, उसके बाद लॉकडाउन हट जाएगा, फिर से वापस हम उसी तरह स्कूल और कॉलेज में जाने लगेंगे, हम तब पढ़ाई शुरू करेंगे या हम तब अपना काम या होमवर्क या क्लास वर्क जो भी है हम तब से अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। इस फेज़ को वो एज अ वेकेशन फेज ले रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कनेक्टिविटी की। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नेट बहुत स्लो है, वो ऑनलाइन आते तो हैं बट उनके वीडियोज़ में ग्लिच हैं, टीचर्स के लेक्चर्स में ग्लिच आ रहा है, उनको डिलेड लेक्चर दिखता है, जिसकी वजह से वो आधा से ज़्यादा लेक्चर मिस कर देते हैं। ये मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्थ और लास्ट प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से एटलीस्ट लास्ट प्रॉब्लम, फैमिलीज एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज ऑनलाइन क्लासेस। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली भी इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली नहीं ले पा रही है, वो बच्चे को बहुत फोर्स और मोटिवेट नहीं कर रही है क्लासेस अटेंड करने के लिए। वो बच्चे को फ़ोन में या फिर लैपटॉप में घुसा देख के सोचते हैं कि दिस इज़ समथिंग वेरी कैजुअल और वो बस ऐसे ही है। वो उस टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, तो वो बच्चे को बीच में बुलाते हैं या फिर बैकग्राउंड में वो अपनी आपस में बातें करते हैं या उस टाइम पे टीवी चलता रहता है, वो अपनी रूटीन लाइफ में लगे रहते हैं, वो वही करते हैं जो हमेशा से वो अपने बच्चे के अराउंड करते थे, पर वो इस बात को समझ नहीं पाते कि ये एक ऑनलाइन क्लास उसी की तरह है जिस तरह से वो बच्चा स्कूल में या कॉलेज में उस टाइम पर पढ़ा करता था, वो इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आइए अब हम इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहली माइंडसेट। किसी भी चीज़ के लिए माइंडसेट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हमें अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक क्लास का इन्वायरमेंट तैयार करना होगा। हमें एक पहले डेजिग्नेटेड वर्क प्लेस बनानी होगी। डेजिग्नेटेड वर्क प्लेस बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव टेबल या चेयर या इन्वायरमेंट चाहिए। आपको एक बेसिक टेबल, एक बेसिक कंफर्टेबल चेयर चाहिए। टेबल और चेयर का रेशियो वैसा ही होना चाहिए जैसे आपके क्लासेस में होती है, टेबल थोड़ा ऊंची, चेयर थोड़ा नीचे। एक सेम लेवल की टेबल और चेयर पे आप वो शायद इन्वायरमेंट नहीं बना पाएंगे। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एक कॉर्नर हो घर का, वहाँ पर ज़्यादा लोगों का डिस्टर्बेंस ना होता हो। और ये ट्राई करिए कि आपकी टेबल और चेयर टूवर्ड्स द वॉल फेस कर रही है, क्योंकि आप जितना कम लोगों को अपने अराउंड देखेंगे उतना कम डिस्टर्ब महसूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका फ़ोन पे रहेगा। वैसे तो ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस ने एक फिक्स शेड्यूल दे रखा है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही उनकी क्लासेस चलेंगी, एक फिक्स टाइम टेबल है। बट अगर किसी का नहीं है या किसी कॉलेज ने एक फिक्स टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड करी, तो आप प्लीज़ उनसे इंसिस्ट और रिक्वेस्ट करिए कि एक फिक्स टाइम टेबल पर ही क्लास चले। उससे आपके माइंड को और प्लस आपके फैमिली को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, इस समय से इस समय तक आप अनअवेलेबल हो। हमेशा याद रखें, क्लास के दौरान हमेशा अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखें। जो भी क्लास में बताया जा रहा है साथ साथ उसकी नोट ज़रूर बनाते चलें, एटलीस्ट पूरा नहीं तो की पॉइंट्स तो ज़रूर बनाते चलें। और आपको जो भी डाउट हो आप उसको पेन डाउन करते चलें, सब कुछ लिखते चलें। और एट द एंड अगर आपको मौका मिलता है टीचर से पूछने का, तो आप डायरेक्ट क्लास के दौरान ही पूछ सकते हैं अगर टीचर अलाउ कर रहा है तो। अगर नहीं कर रहा है तो आप उन सब की एक लिस्ट बना के पहले उसको अपने किसी फ्रेंड से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर किसी को बात नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग एक ग्रुप बना के टीचर को मैसेज करिए कि सर ये सेम टॉपिक पे हम सबको प्रॉब्लम है, तो हो सकता है टीचर उसका सोल्यूशन आपको या तो वाया वीडियो या एक दूसरी क्लास में या वहीं पर टाइप करके दे सके। सेकेंड प्रॉब्लम,
जिन लोगों को ये चीज़ लग रहा है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम वापस अपने काम पे, अपने कॉलेज पे, अपने स्कूल में, अपने क्लास में वापस चले जाएंगे, तो लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट, कुछ मेरे नोन लोग हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं और दूसरे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि MNCs में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को अक्टूबर तक के लिए वर्क फ्रॉम होम की ऑथराइजेशन दे दी है। तो अगर MNCs अक्टूबर तक के लिए वर्क फ्रॉम होम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा होगा जिसमें लोग ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर तक चीज़ें नहीं ख़त्म होने वाली। दूसरी चीज़, मान लीजिए आज से 10 दिन में लॉकडाउन भले ख़त्म हो जाए बट इंडिया में 1.5 लाख केसेज हैं, 5 से 6 हज़ार केसेज डेली नए कोरोना के आ रहे हैं, तो भले लॉकडाउन ख़त्म हो जाए कोरोना नहीं ख़त्म होने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ एंड बी एट होम। तो आप ये चीज़ भूल जाए कि ये टम्परेरी फेज़ है, ये टम्परेरी नहीं है, ये इसी तरह काफ़ी दिनों तक आपको साथ लेके चलना है, अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है और ये इसी तरह चलता रहेगा। तो आप अपने मन से ये बात निकाल दें कि टम्परेरी है, आप अपने मन में ये बात डाल लें कि ये इसी तरह ही चलने वाला है, और अपने तो अपने आप अपने फैमिली के मन में भी ये बात डाल दें कि अब हमारी क्लासेस, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल इसी तरह चलने वाला है और काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलने वाला है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली मेंबर से कोई ऐसा है, मतलब अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि आपको डिस्टर्ब करता है, या आपके फैमिली में किसी रीज़न से आप जॉइंट फैमिली में हैं और छोटे स्पेस में आप रहते हो, कई सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं और आपके पीछे से शोर आता है, इसके लिए देखिए आपको अच्छे ईयरफोन्स लेने की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप को सराउंडिंग से कट ऑफ कर सकें, और स्पेशली अपनी फैमिली से एक बार ये बात बैठ के बताने की और बात करने की है कि ये एक डेजिग्नेटेड टाइम है, इतने बजे से इतने बजे तक प्लीज़ मेरी क्लासेस रहेंगी और मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे इस चेयर से हिलाया ना जाए। अगर आप बेड पे पड़े हुए हो और आप फ़ोन में ऐसे ही बस क्लासेस देख रहे हो, ना कुछ नोट कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, या आप ऐसे ही कहीं भी बैठ के आप अपनी क्लासेस कर रहे हो, लोग उस सीरियसनेस को समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि बस आप फ़ोन में कुछ देख रहे हो। अगर आप प्रॉपरली टेबल चेयर पे बैठ के नोट्स बनाते हुए ईयरफोन लगा के पढ़ेंगे तो आपकी फैमिली भी इस बात को कुछ देर में, कुछ दिनों में समझ जाएगी कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है और इतने बजे से इतने बजे तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, या इनके अराउंड नहीं आना है, या इनके साथ उस समय के लिए कोई बातें नहीं करनी। थर्ड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी, मेरे हिसाब से तो बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूरल एरिया, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है कनेक्टिविटी। बच्चे चाहते हैं पढ़ना, ऑनलाइन भी आते हैं, बट इतने ग्लिच होते हैं कि बीच बीच का पार्ट गायब हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाते, वो नेटवर्क से परेशान होते रहते हैं। इसके लिए आप स्पेशली, आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकता, वो इट्स नॉट इन अवर हैंड्स, बट एक कुछ छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप लगा सकते हो। जैसे आप आपस में एक बार पता करके ट्राई कर सकते हो कि हो सकता है आपके ही एरिया में कोई और ऐसा सिम हो जो कि उससे अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करता हो। मान लीजिए सारे सिम के नेटवर्क एक जैसे हैं और वो इनफ नहीं है आपकी ऑनलाइन क्लासेस रन कराने के लिए, तो उससे आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो कि जो भी ऑनलाइन क्लास वो दे रहे हैं प्लीज़ उसको रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं अपलोड भी करें, चाहे यूट्यूब पे करें या ड्राइव पे करें, वो अपलोड रहेगा तो कम से कम आप उसको बाद में फर्दर रेफरेंस के लिए उसको डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। इफ़ सपोज़ वो टीचर भी रेडी नहीं है उसको डाउनलोड करने के लिए, या वो इंस्टीट्यूशन अलाउ नहीं कर रहा इस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए, या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग कहते हैं द फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। आप अपने दोस्त को बोलो, काफ़ी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स होते हैं जो दूसरा आपका फ्रेंड अगर कोई ऐसा है जो कि शहर में रहता है, या कोई ऐसा एक, क्योंकि अब 100 बच्चों की क्लास है तो कोई तो होंगे जिनके नेट अच्छे से चल रहे होंगे, और 50 बच्चों की क्लास है 2-4 बच्चे तो होंगे जिनका नेट अच्छे से चल रहा होगा, आप उनसे बोलो कि वो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लें और स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक ग्रुप पे या कहीं ऑनलाइन उसको शेयर कर लें। रिकॉर्डेड में क्या होता है, एक बार आपका डाउनलोड हो गया तो एटलीस्ट जितने मिनट का भी वो क्लास है वो पूरी क्लास एक बार में अच्छे से रन हो सकती है, और इस तरह से आपकी हेल्प हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ही सीरियसली लें, बिकॉज अब हो सकता है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आपकी पढ़ाइयाँ ऐसे ही चलें, आपके एग्ज़ाम तक, इवन आपके नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेमेस्टर तक पढ़ाइयाँ ऐसे ही चलें, तो आपको इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना होगा। सेकेंड थिंग, कुछ लोगों को ऐसे पढ़ने की आदत नहीं है, कुछ क्या किसी को भी नहीं है, बिकॉज अभी तक इंडिया में कहीं भी मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, मोस्टली हर जगह फेस टू फेस
पीपल टू पीपल ही क्लासेस चली हैं, तो हम वी आर वेरी न्यू टू दिस टेक्नोलॉजी, हमें अभी तक इसकी आदत नहीं थी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होगी, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होगी, ताकि हमारी इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन की आदत हो जाए, हमें बहुत ही अटपटा सा ना लगे इसमें पढ़ते हुए या इसको यूज़ करते हुए। जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने फ्रेंड से ऐसे ही मिलेंगे, उतना ही हम इसके यूज़ टू हो जाएंगे और धीरे धीरे उतना ही हमें ये पसंद आने लगेगी। मेरा एंड में सबसे यही कहना है, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।